नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी में योगी राज है और बीजेपी दावा करती है कि योगी राज में सब चंगा है। कानून व्यवस्था से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था तक किसी चीज में कोई ढिलाई नहीं। लेकिन यूपी के लखनऊ की यह खबर जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। लखनऊ यानी प्रदेश की राजधानी, जहां योगी जी विराजमान रहते हैं, यहां जब लखनऊ जिला प्रशासन की 6 टीमों ने एक साथ 45 अस्पतालों में छापेमारी की तो इलाज के नाम पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ सामने आया। आज तक में छपी खबर के मुताबिक जब इन अस्पतालों में छापा मारा गया तो देखा गया कि कई अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं तो कई अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर में दवा की जगह बियर की बोतलें मिली तो कई अस्पतालों का तो रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ तो किसी का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है और अस्पताल यूं ही चल रहे हैं। बस फिर क्या, योगी सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। जब इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई तो प्रशासन ने 29 अस्पतालों को नोटिस जारी किया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने सोमवार को तुलसी एंड ट्रामा सेंटर पर छापेमारी की। हैरानी की बात यह है कि इस ट्रामा सेंटर में 4 ICU बेड थे लेकिन डॉक्टर नहीं थे। यहां OT यानी ऑपरेशन थिएटर के फ्रिज में बियर की बोतलें रखी मिली। लाइसेंस की वैधता भी खत्म हो गई थी। इसी तरह मेडी प्लस एंड ट्रामा सेंटर के लाइसेंस की वैधता भी खत्म मिली। छापेमारी के दौरान मॉडर्न हॉस्पिटल, मैटरनिटी एंड ट्रामा सेंटर में 3 ICU बेड मिले लेकिन एक्सरे व इमरजेंसी की सुविधा नहीं मिली। डॉक्टर नहीं मिले, स्टाफ नर्स के पास नर्सिंग की डिग्री तक नहीं थी। इसी तरह न्यू एशियन हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में डॉक्टर नहीं थे और BSc डिग्री धारक अस्पताल मालिक प्रेम कुमार वर्मा खुद ही मरीजों का इलाज करते मिले। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की छापेमारी के बाद जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के निर्देश पर CMO डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने 29 अस्पतालों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। CMO डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने कहा है कि अगर अस्पताल मैनेजमेंट ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।